भगवान जगन्नाथ के भक्त जेबी पटनायक राजनीतिक गतिविधियों से बचा समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं। साहित्य पढ़ने और लिखने में उनकी खासी रुचि है। वो संस्कृत के अनेक क्लासिक्स का उड़िया में अनुवाद भी कर चुके हैं। 68 वर्षीय पटनायक खासे चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं। खुद को फिट रखने के लिए वो रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। योगासन करना भी उनके डेली रूटीन में शामिल है। जेबी पटनायक थोड़ा बहुत समय अपने परिवार के बीच बिताना भी पसंद करते हैं। हालांकि उनकी पत्नी जयंती पटनायक को उनसे ढेर सारी शिकायतें हैं। उनका तो जर्नलिस्टिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इतना वो व्यस्त रहते हैं शुरू से। मुझे भी कभी कभी लगता था वो क्या हमारा फैमिली लाइफ क्या थोड़ा ऐसा, लेकिन मैं एक्टमेंटराइज्ड हो गई तो पहले से शुरू से ना उनका तो व्यस्त जीवन है। लोग कहते हैं कि आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होती हैं अगर बनती तो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। नहीं, कुछ तो विचार आपको हो सकते हैं उनके बारे में। क्या विचार? अगर वो चीफ मिनिस्टर बनती तो कैसी रहती? हम कैसे कहेंगे, ये सो बिल्कुल ऐसे ही एक बात है। कौन बनेगी, क्या होगा? उनको पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा रहे हैं? नहीं, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आएगा उस समय हम चिंता करेंगे।